This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक, आप देख रहे हैं दस्तक। बाजार तेजी के रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है। निवेशकों को मोटा मुनाफा हो रहा है। पिछले चार कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 1900 अंक चढ़ चुका है। दूसरी लहर के बाद बाजार में ऐसी तेजी की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। निफ्टी ने जैसे ही 16000 का आंकड़ा पार किया, उसके बाद से ही नई तेजी की शुरुआत हो गई। आज भी बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल बना रहा है। हालांकि शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में जरूर थोड़ी मुनाफा वसूली देखी गई है। आज सेंसेक्स 123 अंक की मजबूती के साथ 54,717 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 35 अंक उछाल के साथ 16,294 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में खरीदारी रही। FMCG, मेटल और IT शेयरों में आज खरीदारी रही। वहीं पिछले दो दिन से तेजी के हीरो रहे बैंकिंग शेयरों पर आज मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। बुधवार को खुले चारों IPO में आज भी निवेशकों का अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अब IPO के लिए अप्लाई करना आसान हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से 5paisa ऐप डाउनलोड करें और 5 मिनट में अपना फ्री डीमैट खाता खोलें। इस ऐप पर ट्रेडिंग के बारे में आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो आज ही शुरू करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दिव्यानी इंटरनेशनल का IPO दूसरे दिन 6 गुना से ज़्यादा भर गया है। वहीं विंडलेस बायोटेक का 7 गुना और एक्सट्रो टाइल्स का 10 गुने से ज़्यादा भर चुका है। इसके अलावा कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का IPO भी 5 गुना भर गया है। बाजार की तेजी का फायदा IPO को भी मिल रहा है। बाजार के साथ साथ निवेशकों का रुझान IPO में पैसा बनाने पर भी है। आज बाजार में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में भारती एयरटेल, इचर मोटर्स, ITC, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील शामिल रहे। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करें तो SBI, एंडरसन बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व शामिल रहे। आज बाजार में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। KR मंगलम के इस्तीफे के बाद शेयर बाजार पर बिकवाली का दबाव रहा है। रिटर्न के मामले में भारत के शेयर बाजारों ने दुनिया के बड़े देशों के शेयर बाजारों को पछाड़ दिया। पिछले 16 महीनों में निफ्टी ने 107% का रिटर्न दिया है। कोरिया के बाजार ने 101.07%, अमेरिका के नेस्डेक ने 98% का फायदा दिया है। वहीं ब्राजील के शेयर बाजार ने 75% का फायदा दिया है। रशिया के बाजार ने 16 महीनों में 68.94% और जर्मनी के बाजार ने इसी समय में 60.31% का रिटर्न दिया है। पिछले 16 महीने में बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में इंफोसिस, टाटा स्टील, ICICI बैंक और HDFC बैंक का बड़ा हाथ रहा है। इसके अलावा बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में विदेशी निवेशकों और म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी बड़ा योगदान रहा है। इस वक्त बाजार नई ऊंचाइयों पर है, ऐसे में रिटेल निवेशकों को सावधानी से निवेश करने की ज़रूरत है। इस वक्त छोटी सी चूक बड़ा नुकसान करा सकती है, ऐसे में अच्छी कंपनी में ही निवेश करें। पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से थोड़ा बचना चाहिए। भले ही यहाँ रिटर्न मिलने की उम्मीद ज़्यादा होती है, लेकिन इन शेयरों में नुकसान की भी उतनी ही ज़्यादा गुंजाइश रहती है। बिजनेस की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दस्तक। नमस्कार।